अगर हमारे पास किसी वन थिंग की कॉस्ट 3 हुई है और ज्यादा की हमने पता कर दी है, 1 से ज्यादा की तरफ जब हम जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ज्यादा की नहीं हुई है कम की हमने पता कर दी है तो हम डिवाइड की तरफ जाएंगे। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमित रीड्स 40 पेजेस ऑफ ए बुक एवरी डे। अमित हर रोज किसी बुक के 40 पेजेस को रीड करता है। हाउ मैनी पेजेस विल बी रीड इन 7 डेज, तो 7 डेज में कितने पेजेस रीड करेगा। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय अमित इन ए डे 40, एक दिन में अमित 40 पेजेस रीड करता है। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय अमित इन 7 डेज, अब देखो जब वो 1 डे में 40 पेजेस रीड कर लेता है तो 7 डेज में तो ज्यादा ही रीड करेगा ना, देयरफॉर 40 मल्टीप्लाई 7, 4 7 28, 280 पेजेस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए दर्जन ऑरेंज कॉस्ट रूपीज 48, एक दर्जन ऑरेंज की कॉस्ट 48 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। 1 ऑरेंज की कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर दी। अब देखो 1 दर्जन मीन्स वैल्यू पीसेस। ओके, इट मीन्स वैल्यू पीसेस की कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ वैल ऑरेंज कितनी कॉस्ट दी हुई है, 48 कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। इसमें देखो ज्यादा की कॉस्ट दी हुई है, कम की हमने पता करनी है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 4
हमने फाइंड आउट कर. ओके अब हम 250 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे.
एक काम को कंप्लीट करने के लिए 15 डेज लगते हैं, हाउ मैनी डेज 5 मैन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क? अगर 1 मैन की जगह पर 5 मैन लग जाए, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? अब टाइम क्या लगेगा, काम लगेगा, कैसे लिखेंगे हम इसको? टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट वर्क, कितने डेज आएंगे? 3 डेज। ओके स्टूडेंट।